हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉन्क क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ओप्पो का A55 और ये 4G है, लेटेस्ट सिक्योरिटी FRP। इसको कैसे बाईपास करेंगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसको FRP लगा है या नहीं लगा है। अभी यहाँ पर सबसे पहले अगर यूज़र को उसका लॉक पासवर्ड पता है तो वो उसे एंटर करने के लिए बोलेगा। बट क्योंकि ये फ़ोन पासवर्ड लॉक था और हमने इसको अनलॉक टूल से अनलॉकिंग की है और FRP आप लोग के लिए बाईपास कर रहे हैं मैन्युअली, क्योंकि सबके पास अनलॉक टूल नहीं होता। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो हमें एक और बार बूट करके हमें एक ट्रायल ऑफ़र देता है वो कि आप जीमेल से लॉगिन कर लो। तो जीमेल लॉगिन पे यहाँ पर कोई जो है आप स्किप बटन देख रहे हो कि कोई स्किप बटन है नहीं और सिर्फ नेक्स्ट बटन है। नेक्स्ट बटन करके वो सेटअप होगा नहीं, इसको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, सबको पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सबसे पहले ऐड नेटवर्क पे हम लोग करके देखते हैं कि क्या हम लोग रैंडम क्लिक करके जो पुरानी मेथड है इसको सेलेक्ट ऑल करके ऑप्शन आता है क्या। देखो सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, कट और कॉपी का ही ऑप्शन आ रहा है, गूगल सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेन पेज पर आते हैं और मेन पेज पर आने के बाद हम लोग इमरजेंसी कॉल पे *813# ट्राई करते तो ये भी जो है मेथड काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम अप डाउन बटन दोनों को एक साथ दबाएंगे। ठीक है, और टर्न ऑन। ठीक है, टॉकबैक ऑन होने के बाद एक बार वापस से अप डाउन बटन दबाएंगे। ठीक है, और टॉकबैक ऑन हो जाएगा। जब टॉकबैक ऑन हो जाए तो इसको उल्टा एल डाल करिए, आप अलाउ करिए। ओपन गूगल असिस्टेंट। ओपन गूगल असिस्टेंट। ओपन यूट्यूब। ठीक है, तो अपने अभी क्या क्या देखिए, जैसे पहले पासवर्ड सिक्योरिटी वाला है, लॉक स्क्रीन सेट करके देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सेकंड का वेट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं, एक पैटर्न सेट करते हैं, ये लगाया हमने पैटर्न, ये फिर से कंफर्म किया। तो लॉक होने के बाद देखो पासवर्ड लॉक अभी भी ऑफ दिख रहा है और फ़ोन को लॉक करके ऑन करो तो पासवर्ड सेट नहीं हुआ, तो ये मेथड फेल्ड है। दूसरा मेथड जो इंटरनेट पर है वो है कि आप सिस्टम सेटिंग में चले जाए, बैकअप एंड रिसेट में जाए और रिसेट फ़ोन करें, पर देखो ये रिसेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो होम स्क्रीन एंड लॉक पे आना है। ठीक है, इसके बाद ये जो होम स्क्रीन लेआउट है इसके ऊपर क्लिक करना है। मेन स्क्रीन जब आ जाएगा तो ये मेन स्क्रीन लोड हो गया। अभी FRP बाईपास नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी हम लोग को FRP बाईपास करना है, क्योंकि अगर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे फ़ोन को तो वापस लॉक मोड में चले जाएगा। तो यहाँ क्लिक करके क्लोन फ़ोन पे क्लिक करना है, एग्री करना है, सेटिंग में जाके अलाउ मॉडिफिकेशन सेटिंग अलाउ करना है, वापस सेटिंग में जाके अलाउ करना है। ठीक है, एंड दिस इज़ न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है। ठीक है, नाउ इसको हम लोग एंड्रॉयड ले लेते हैं और यहाँ पर हमें QR कोड आ जाएगा। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, हम हमारे एक दूसरे ओप्पो के डिवाइस में आ जाएंगे और दूसरे ओप्पो के डिवाइस में हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्लोन फोन ऐप को ऑन करना है एंड दिस इज़ ओल्ड डिवाइस पे क्लिक करना है। तो हमें QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा, QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, स्कैन कर लेने के बाद
हमारी पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पर आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। हमको क्या करना है, सारे के सारे एप्लीकेशन को मैं एक बार ब्राइटनेस चेंज करता हूँ। इसमें डार्क मोड बंद, डार्क मोड भी हटा देता हूँ, दिखेगा अच्छे से ना, ठीक है। अब देख पा रहे कि सारे एप्लीकेशन सेलेक्ट है, इन सबको हम लोग एक बार सेलेक्ट करेंगे और फिर एक बार अनसेलेक्ट करेंगे, तो सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऐप्स में आएंगे, ठीक है, और कोई भी एक जो छोटी एप्लीकेशन है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं कोई भी एप्लीकेशन, चलिए जैसे मैंने विडमेट ले लिया, ठीक है, एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और बैक कर लिया, तो देखिए 24.33 MB सिलेक्ट हुआ और स्टार्ट माइग्रेटिंग पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ का लॉक खोलो, ठीक है, ऐप ट्रांसफरिंग शुरू हो गया, ठीक, तो इसको डन कर देंगे, इस फ़ोन का काम ख़त्म। और अभी इस पे देखेंगे, ठीक है, तो माइग्रेशन कंप्लीट हो गया हमारा, इसको डन करेंगे, ठीक है, इसको बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन दबाएंगे, ठीक है। अब हम चाहे तो फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं, ठीक है, या पासवर्ड लॉक, फेस लॉक जो है सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट कर लेते हैं, पैटर्न, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्किप करके देखते हैं, अपडेट नहीं करना है, डन। और अभी वेलकम स्क्रीन आई है, चेक करते हैं गेट स्टार्टर पे क्लिक करके कि क्या हमारा फ़ोन का FRP बाईपास हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा FRP कंप्लीट हो गया। और एक बार हम लोग जो है अभी फ़ोन को रीसेट करके देख लेते हैं कि रीसेट होता है या नहीं होता है। देखिए पहले वहाँ पर आ ही नहीं रहा था, अभी देखो सारा इरेज डाटा वगैरह ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन अभी लोड हो रहे हैं। बस इरेज डाटा पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो हमारा फ़ोन जो है ऑल डाटा इरेज हो गया है और एक बार फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा FRP जो है वो परमानेंट बाईपास हो चुका है, ठीक है। ठीक, तो फ़ोन रिबूट हो गया। अब रिबूट होने के बाद हम जब फ़ोन को वापस से सेट करेंगे तो हमें ये कोई भी पैटर्न लॉक या जीमेल अकाउंट नहीं मांगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी फ़ोन को परमानेंट FRP, ये जो आपको A15 है, देखिए फॉर्मेट हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हो जैसे FRP हमने बाईपास किया, उसके बाद जब फ़ोन को रीसेट किया तो अब फ़ोन पे जो है यहाँ पर आपको देख रहे हो कि ये स्किप बटन एक्टिवेट हो चुका है। तो जस्ट स्किप करो, स्किप। तो ये दिखाने के पीछे मकसद ये था कि अगर आप किसी फ़ोन को FRP बाईपास कर लेते हैं, उसके बाद अगर उस फ़ोन को फॉर्मेट भी कर लोगे तो दोबारा इसके ऊपर FRP लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। सेटअप कर लेते फटाफट और दिखाते हैं कि मेन स्क्रीन आता है या यहाँ से मेन स्क्रीन से जंप करता है। कई बार कुछ फ़ोन जो है FRP करने के बाद मेन पेज तक तो जाते हैं और होम स्क्रीन आने के पहले ही जंप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्किप करते हुए जाते हैं फटाफट। और वेलकम स्क्रीन पे यहाँ से जंप कर जाते हैं, होम स्क्रीन पे देखते हैं यहाँ से होम स्क्रीन जाता है या डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो ये देखिए होम स्क्रीन आ चुका है, इसका मतलब FRP बाईपास हो गया। एक बार मॉडल नंबर कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये जो मॉडल हम लोग कर रहे थे वो वही मॉडल है या कोई और है। ये देखिए ओप्पो CPH 2325 व एंड्रॉयड वर्ज़न 12, ठीक है, और मॉडल नंबर देखोगे तो ओप्पो A55 आपको दिख रहा है। समझ में अगर आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग उमंग क्लासेस।